हल्द्वानी का मुद्दा भी है और यूसीसी का मुद्दा भी है। यूसीसी में भी देखा गया है कि सरकार ने एक समुदाय विशेष को निशाना बनाकर यह कानून बनाया है जिसका हम विरोध बार बार करते रहेंगे। माने न्यायालय तक भी जाना पड़े तो वहाँ भी जाएंगे और सरकार इस चीज़ को समझ ले, अगर सरकार कोई कानून थोपेगी तो हमें लोकतांत्रिक मूल्यों में विरोध करने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों से यही अपील बार बार करना चाहते हैं कि ये उत्तराखंड शांत प्रदेश है, यहाँ की शांति को हम धूमिल नहीं होने देंगे और हमें शांति स्थापित करने के लिए किस हद तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। देखिए आगे की जो भी रणनीति होगी वो कमेटी में बैठ के तय किया जाएगा और जो शहर काजी साहब की तरफ से, हमारे मुफ्ती रईस साहब की तरफ से, बड़ों की तरफ से जो बातें सामने आएंगी वक्तन फवक्तन आपको बता दिया जाएगा। विरोध जारी रहेगा। किसी महापुरुष ने कहा है जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो सरकारें आवारा हो जाती हैं।